हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टॉप 5 ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। यानी कि आप इन पांचों गेम्स को अपने फ्रेंड के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, वो भी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। ये पांचों गेम अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इन सभी की ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको पांच गेम बताऊंगा जिनमें से एक गेम पेड होगा और बाकी के चार गेम्स प्ले स्टोर के ऊपर फ्री में अवेलेबल हैं। आप उनको वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर सकते हो। तो अपनी टॉप 5 गेम्स की सीरीज़ को यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ और अपनी सीरीज़ में जो फर्स्ट गेम यहाँ पर निकल कर आता है वो है बैडलैंड। बैडलैंड एक तरह का पजल बेस्ड गेम है और इस गेम का जो डाउनलोडिंग साइज है वो है 177 MB और इस गेम को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसकी वजह से ये वाला गेम टॉप लेवल पर आ चुका है। इस गेम के अंदर आप लोगों को दो मोड देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो किसी अनदर प्लेयर के साथ आप इसे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के तौर पर खेल सकते हो, और ऑफलाइन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट तो होगा ही नहीं, तो ये वाला गेम इस लिस्ट में ऐड नहीं होता। इस गेम में जो पजल्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, ग्राफिक्स भी आप लोगों को एकदम नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी, और इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी आप लोगों को चुनिंदा गेमों में ही देखने को मिलता है। नो डाउट ये वाला गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोगों को इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अपने सीरीज में आने वाले सेकेंड गेम की। गेम का नाम है G Switch 3 और इस गेम का जो डाउनलोडिंग साइज है वो होगा 43 MB, यानी कि ये वाला गेम आपको 50 MB से भी कम के साइज में देखने को मिल जाता है। इस गेम के अंदर भी आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सपोर्ट मिलता है। ऑफलाइन मोड में आप अपने 3 फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हो और एक आप खुद होंगे, मतलब कि आप टोटल 4 प्लेयर्स को ऑफलाइन मोड में खेल सकते हो। वही बात कर लेते हैं ऑनलाइन की, तो आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में 6 प्लेयर्स का मैच कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक भी कंट्रोल्स नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोल्स हैं। जो कंट्रोल आपको नहीं दिखता, आप लोगों को सिंपली स्क्रीन के ऊपर टैप करना होता है, उसी से जो गेम है वो अपनी पोजीशन ले लेता है और वो अपने आप से ही राइट लेफ्ट और अप डाउन की साइड मुड़ जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि गेम में सिर्फ एक ही कंट्रोल है तो गेम काफी ज्यादा इजी होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला गेम इस पूरी लिस्ट का सबसे ज्यादा हार्ड और एडिक्टिव गेम है। तो अगर आपको भी एक हार्ड गेम ट्राई करना है तो आप इस वाले गेम को चेकआउट जरूर करना। और इसी के साथ बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अपने सीरीज में आने वाले थर्ड गेम की। गेम का नाम है ब्लैक मूड 2। इस गेम का जो डाउनलोडिंग साइज है वो होगा 145 MB। ये गेम बेसिकली पुराने जमाने के जो लोग होते हैं तलवारों से जो लड़ाई करते हैं, कुछ उस टाइप का ये वाला गेम होगा। बस इस गेम के सभी कैरेक्टर को कॉमिक स्टाइल में डेवलप करा गया है। ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को कई सारे लेवल देखने को मिल जाते हैं। हर लेवल में आप लोगों को अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी देखने को मिल जाएंगे। सभी लेवल्स के एंड में आप लोगों को एक तगड़ी बॉस फाइटिंग भी देखने को मिलेगी। इस गेम के अंदर हर लेवल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक स्टोरी है जो इस पूरे गेम में कंटिन्यू होती रहती है, तो आप इस गेम को एक फाइटिंग स्टाइल स्टोरी मोड गेम भी बोल सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी वाला गेम पसंद आया होगा तो इसे भी चेकआउट करना। और इसी के साथ बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अपने सीरीज में आने वाले फोर्थ गेम की। गेम का नाम है रिपटेड GP और इस गेम का जो डाउनलोडिंग साइज है वो होगा 96 MB। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज के अंदर एक पेड गेम भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को 109 रुपये का मिलेगा। अगर आप लोगों को इस गेम को खेलना है तो 109 रुपये आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। तो ये गेम बेसिकली एक रेसिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। गेम के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स की सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। जब आप इस गेम को मल्टीप्लेयर खेलते हो तब आपकी एक मोबाइल स्क्रीन पर 4 स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है और इस गेम के अंदर आप 4 प्लेयर को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। और इसके अंदर भी आप लोगों को कई सारे लेवल देखने को मिलेंगे और ढेर सारे डिफिकल्ट चैलेंज भी है इस गेम के अंदर। तो नो डाउट ये वाला गेम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो सीरीज में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने सीरीज में आने फिफ्थ एंड लास्ट गेम की। और अपने सीरीज का जो लास्ट गेम यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसका नाम है वुडल ट्री एडवेंचर। इस गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 104 MB। तो बेसिकली ये एक एडवेंचर गेम है जिसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को भी एक स्टोरी बेस्ड गेम चाहिए तो इस वाले गेम को भी चेकआउट करना मत भूलना। गेम के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा कैरेक्टर मिलेगा जो कि एक तरह का ट्री है और इसके आसपास का जो कलरफुल एनवायरनमेंट है वो इस गेम को बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इस गेम की जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। पर पता नहीं कि ये वाली गेम थोड़ी सी लैग चल रही है। एक तो 4 MB के गेम के लिए शायद 4 GB रैम का फ़ोन इनफ है, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम आपके फ़ोन में ना आए। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वाली जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखनी है तो इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूँ।